ओम प्रकाश राज पर। उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी निषादों को आरक्षण देने के नाम पर ड्रामा कर रही है और आरक्षण के लिए चिट्ठी लिखना सिर्फ धोखा है। दरअसल यूपी सरकार ने निषादों के आरक्षण को लागू किए जाने को लेकर भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखा, लेकिन राजभर का कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ वोट पाने के लिए किया गया महज एक ड्रामा है। फिर सरकार आरजीआई को पत्र लिख रही है, जबकि आरजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहले ही एफिडेविट दे रखा है कि जब तक विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा से पास होकर के कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हम किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं क्रमबद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की कवायद कर रही है। ये पत्राचार सिर्फ इस नाते कर रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये झूठ बोलना शुरू करेंगे कि भाई आचार संहिता लग गई है, आप हमको वोट दीजिए और फिर आगे हम आपको आरक्षण देंगे। ABP News आपको रखे आगे।